राजपूत पढ़ते हैं अंधेरी गुफाओं में चश्मे रोशनियों के सागरों में डूबे महाद्वीप में पुकारते भीड़ों में छुपे हुए निपट अज्ञानी भी कानों में उड़े जाते भेद कायनात के वह जिसने कुछ नहीं सीखा कहीं से। इन अर्थों में हरभजन सिंह निगुरा कवि ये कविताएं सोच विचार के अवकाश के लिए नैतिक विवेक और मौखिक सफलता के लिए हर दिन कठिनतम भूमि की दुनिया को खुदने समझने की आत्मिक ऊर्जा के लिए और चेतना की अपनीता के लिए आवश्यक है। हरभजन सिंह कवि में अनुपस्थिति को एक दार्शनिक आयाम देते हैं, साथ ही समाज के कमजोर और हारे हुए के पक्ष में कठोर आवाज उठाते हैं। वे सभी प्रकार के अत्याचारों के विरुद्ध अपने मजबूत और ऊपर के विश्वास से पक्ष रखते हैं। एक दार्शनिक और चिंतक के रूप में उनकी चिंताएं मनुष्य और मनुष्यत्व दोनों के लिए समान है। इन कविताओं में गांधीवादी रूप साथ में साधन स्वतंत्रता का आग्रह कवि के रूप में मौजूद है। यह क्रांति और करुणा के रूप युवा बने हैं। एक रहस्य रूप भी इन कविताओं में प्रतीक रूप से मौजूद है जो प्रकृति के स्वभाव के अनुकूल है। शब्द और कविता जब परत दर परत सुनते हैं तो हरभजन सिंह की कविताओं में मौजूद ज्ञान और दर्शन स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त पात्र अभिव्यक्ति पाते हैं। एक कविता का उदाहरण देखें, सोची हुई राह पर चलकर पहुंच भी जाओ उस सोचे हुए स्थान पर तो भी हो सकता है तुम्हारी कल्पना का आदमी हो तुम्हारी कल्पना का आदमी न हो। रुख और ऋषि में हरभजन सिंह की तलाश वृक्ष और ऋषि के माध्यम से भौतिकता और आध्यात्मिकता के साथ एक सह अस्तित्व की तलाश है जहाँ खोज तो स्वयं की है किंतु यहाँ अपने होने के साथ प्रकृति की सजीविता एक अनिवार्य उपस्थिति है। मनुष्यों की समुची समझदारी ने प्रकृति को तृतीय मान लेने की हमलता की रखती है। कविता है प्रकृति और इंसानी अस्तित्व की आपसदारी की मुकम्मल दस्तावेज है। यहाँ हरभजन सिंह उस प्रकृति के पक्ष में खड़े हैं जो मनुष्य जीवन की सभी क्रियाशीलता का केंद्र और आधार है। एक तरफ जिंदगी है और दूसरी तरफ इस पर लोग जहाँ प्रकृति मुख्य है और इस पर गाँव है। वे एक और आशाओं के डोर में बने हैं दूसरी ओर छलावे भी मौजूद है। मैं कविताएं नहीं पढ़ रहा। तुलसीदास ने रामचरितमानस में भगवान जी के आश्रम के वैभव का वर्णन इन शब्दों में किया है, यहाँ भी एक स्वप्न संसार है। संपत्ति तकई भक्त मुनि आयस निर्वाह तहिं इस आश्रम तीजरा राखे वा भूसार हरभजन सिंह यहाँ भी पिंजरा है और तुलसीदास यहाँ भी। लेकिन हरभजन सिंह का जो पिंजरा है वह निष्फलता की हद तक जाता है और यह उन्हें आज के समय में समकालीन भी बनाता है। वे करते हैं अपनी कविता में जो कविता में मूर्तियों में बैठे सीता राम और सियासे आपस में धरती पर बने हम धरती पर मिट गए जन्मे हम रिश्तों में ही मरे बिछड़े बिछोड़े भी गए महल से बाहर खुशी खुशी चले गए रिश्तों से बाहर जाना कभी न सोचा आप ही मर्यादा की रेखा बनाएगी आप ही हम रेखा में बंदी हो गए वनवास भी रेखावास। हरभजन सिंह की कविताओं में मौजूद दो मिनट को सुनूंगा। हरभजन सिंह कविताओं में मौजूद प्रश्नाकृता उनकी राजनीतिक स्पष्टता उत्कृष्टता और समकालीनता का प्रमाण देती है। बगावत करने के सवाल करने में वर्तमान संदर्भों में प्रश्नों की उम्मीद से देखते हैं और प्रश्नों को बगावत के लिए आधारभूमि मानते हैं। हरभजन सिंह ने अपनी कविता में सभ्यता समीक्षा संभव किया है अगर तो वह बहुत हद तक राजनीतिक सामाजिक धार्मिक और सांप्रदायिक संदर्भों में मनुष्यता को केंद्र में रखकर जीवन का रचा गया भाष है। अकेले मुक्ति को शमशेर और सुवर्ण नारायण के भिन्न भिन्न संदर्भों में अस्तित्ववाद और हिंदी की नई कविता आंदोलन की जमीन जैसे प्रसिद्धि देने वाली हरभजन सिंह की ये कविताएं जन खेत विवरण की यथार्थवादी पद्धति और इतिहास विधक या फैंटेसी से मिलकर बनी है। वे अपनी कविता में श्रम करुणा और सौंदर्य को उसकी समूची आंतरिक द्वंद्वात्मकता में पकड़ते हुए कविता के परस्पर पूरक या उसके दूसरे अर्थों का आमने सामने को आमने सामने रख उसकी विसंगति को उभार देते हैं। आपने सुना, धन्यवाद। समय मेरा पूरा सम्मान रखा और
हालांकि संजीव जी ने मुझे लंबाई चौड़ाई देखकर ही सत्रकार से विदर्भ करने के लिए दिया था, तो बहरहाल हरभजन सिंह को मैं बात कर रहा हूँ। तो हरभजन सिंह बहुलाता और जीवन की संपूर्णता का कवि, पंजाबी भाषा जिस क्रांतिकारी परंपरा में हरभजन सिंह की भाषा है, यह गुरुओं की वाणिया है, प्रतिरोध की वाणिया है, यहाँ पर आधुनिक काल में भी एक से एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने इस भाषा संस्कृति के माध्यम से भारत की एक क्रांतिकारी विरासत को, भारतीय समाज की एक क्रांतिकारी परंपरा को सफल बनाने में और उस परंपरा का निर्वहन करने में अपना भरपूर श्रम दिया है। भाई वीर सिंह से लेकर के अवतार सिंह पाश से लेकर सुरजीत पात्र, लाल सिंह गिल और हरभजन सिंह, ये ऐसे कवि हैं जिन पर चर्चा किए बगैर भारतीय कविता का कोई क्रम पूरा नहीं हो सकता। हरभजन सिंह की कविताएं पंजाब के लोक जीवन, लोक आस्था, लोक रंग के साथ साथ आधुनिकता बोध से पली है और पंजाबी भाषा की थाती है, विरासत है, ऐसी विरासत जिसमें क्रांति का, जिसमें संस्कृति परत दर परत खुलती है। कवि उस दुनिया से रूबरू कराने की कोशिश में है जो क्रांतिकारियों की विरासत है। उस विरासत में पंजाब के लोक जीवन और लोक संगीत की धुन है जो विकट परिस्थितियों से उत्पन्न है, इसमें जिजीविषा है और अंतिम सांस तक जीने की उत्कट लालसा भी। इस जीवन की बुनियादी संरचना में कई ऐसी गड़बड़ियां हैं जिन्हें सुधार कर अपनी कविताओं के माध्यम से कवि अभिव्यक्त करता है। हरभजन सिंह ने हर तरह की कविताएं लिखी है, प्रचुर लेखन के साथ साथ अपनी बहुलाता और काव्य बहुलता में वर्ण विषयों की विविधता इनकी विशिष्टता है। जीवन के हर कोण से कविता बुनने की कला में यह कवि सिद्धहस्त है। यहाँ जंगल, जीवन, जमीन, पर्यावरण के साथ अटखेलिया करते वन्य प्राणी है तो सौंदर्य बोध से सराबोर कवि की आत्मा है। स्थिरचित्त और स्थिति प्रज्ञ होकर सौंदर्यालोक की सीमा लांघता हुआ कविमन बार बार प्रकृति की ओर लौट कर जीवन के बीच सहज आवाजाही करता है। काव्य तत्व के निमित्त अनिवार्य वस्तुओं को ग्रहण करता है अपनी प्रतिभा के चरम में। वह कवि दाम्पत्य जीवन और गार्हस्थ्य जीवन का ऐसा सांद्रण प्रस्तुत करता है जिसके रस परिपाक से कविताएं करने की कोशिश समग्रता में होती है। इन कविताओं में अंतर्निहित एक व्यापक भारतीय समाज है। उस समाज की उपलब्धियों, सीमाओं, जय पराजय के बीच आम जन के संघर्ष, युगीन तनाव, संत्रास, अवसाद की समस्त स्थितियों से लड़ता हुआ एक कवि मन है जिसमें विवेक और तर्क की पर्याप्त संभावना है। तर्क, संभावना, शिल्प, भाव, विचार को लेकर हरभजन सिंह का कवि प्रखर रूप में उपस्थित होता है। इस उपस्थिति में मुक्ति की अनंत इच्छाओं की पृष्ठभूमि रची गई है। यहाँ रोमानियत है, भावुकता है, जीवन जीने का अदम्य साहस है, अजनबियत है और प्रतीकात्मक विद्रोह भी। अपनी बात कहने की छटपटाहट कवि में दिखती है। ऊर्जा और नैतिकता के साथ, त्वरा और आवेग के साथ, विचार, कला और अभिव्यक्ति में उदात्त मानस विवेक के कवि है हरभजन सिंह। रचनात्मक आवेग और संवेग के कवि है हरभजन सिंह। साथ ही जिंदगी और मौत के बीच जूझते आदमी की जद्दोजहद के कवि जो मौन की आहट को पल पल बुनकर कविता में उपस्थित होता है। कविताओं में प्रतीकात्मक विद्रोह की अनुगूंज, जटिल जीवन की विविध परिस्थितियां हैं। कई कविताओं में कवि का एलिनेशन मूल अर्थ के साथ जुड़ा है। कवि अपने सक्रिय अस्तित्व में अपने भीतर छिपे हुए आदमी या अपने पड़ोसी को पहचानने से इनकार कर देता है। सत्ता इतनी कलंकारी है कि उसके खौफ से अपने पड़ोसी को सत्ता के खिलाफ देखकर उसे पहचानने से इनकार कर देना, यह दरअसल कवि का संभावित आत्म है या उलात्मा जिसके पड़ोस में कवि रहता है। इस पड़ोसी को नकारने की कोशिश इतनी सहज नहीं है, साथ ही यह नकार बोध अनाथ होने की चेष्टा तक जाती है। कोई नहीं, कोई नहीं, वह मेरा कोई नहीं था, मेरे पड़ोस में रहता था वह, मेरा पड़ोसी नहीं था।
कवि धरती के नीचे जाकर वहां से कविता करने की कोशिश करता है। कवि कहता है कि धरती के नीचे धौला है, धर्म है, एक मेरी बेटी है। बीच बीच में कई कविताओं में व्यक्ति और पौराणिक पात्रों के बीच सहज आवाजाही करता है। चतुर्भुज ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा ने दुख बनाए सहस्त्रभुज, उनसे लड़ने को देवी अष्टभुजी है, पर बेटी बेटी तो है मनुष्य, वह भी आदि या कौनी, दुखों के साथ लड़ती नहीं, दुखों को उठाती है। हरभजन सिंह ने मानवीय संबंधों को लेकर संवेदनशील रचनाशीलता का परिचय देते हुए दाम्पत्य जीवन और दाम्पत्य प्रेम को अपनी कविता का मूलभूत बताया है। कवि की विधायिका गृहस्थी के सूत्रों की पड़ताल करती है। यहाँ गार्हस्थ प्रेम की विविध भंगिमा का प्रकटीकरण सहजता में संभव हुआ है। इनकी सौंदर्य दृष्टि में भी एक दाम्पत्य भाव रंजित होता है। कहना न होगा भारतीय अवधारणा का वह विस्तारीकरण, भारतीय परंपरा का वह सांस्कृतिक विवेक जिसे कवि आत्मसात करता है, जागृत चेतस विवेक, प्रगतिगामी दृष्टि और प्रगतिशील सौंदर्य बोध के साथ इस तरह की कविताओं में पारिवारिक व्यवस्था उस रूप में उपस्थित हुई है जिस रूप में स्मृति से लेकर और भारतीय भाषा के तमाम बड़े कवियों ने पारिवारिक जीवन, गार्हस्थ जीवन, गार्हस्थ प्रेम, इस पर जिन्होंने बेहतरीन कविताएं लिखी है, उस परंपरा में हरभजन सिंह आते हैं। उदाहरणों में कवि की कविताओं में सूक्ष्मता और प्रतीकात्मकता में नवाचार का प्रस्तुतिकरण देखने लायक है। रेत की आवाज की अनुगूंज कवि सुनता है। इन सब के बीच परिवार प्रेम और गृहस्थी की त्रिवेणी कविताओं के बीच से सतत प्रवाहमान है। रेत का मानवीकरण, आदमी का रेत हो जाना, अचानक से अज्ञेय की कविता नदी के द्वीप की पंक्तियों की याद दिलाती है। बहना रेत होना है जैसी पंक्ति की सार्थकता यहाँ सिद्ध होती है। उस परिवार गृहस्थी की गाड़ी को खींचते चले जाने की कवायद कवि करता है। इस भारतीय पारिवारिक व्यवस्था के प्रति हरभजन सिंह की आस्था है। उस आस्था के केंद्र में गृहस्थ प्रेम है, जागृत चेतन सौंदर्य वाली दृष्टि है और है जीवन को जीने का अदम्य साहस। उस साहस के साथ साथ अहम का इदम में विलयन कवि चाहता है तो मम से ममेतर होने की पूरी कामनाओं के साथ। कहना न होगा हरभजन सिंह भारतीय भाषा की उस प्रवाहमान धारा प्रवाह परंपरा की कवि है जहां पर जीवन है और उसकी संपूर्णता, कविता उस जीवन की संपूर्णता को अपनी भाषा में व्यक्त करती है। जीवन विचार और कला के स्तर पर ये कविताएं मानव जीवन की संपूर्ण विराटता का आख्यान रचती है। ये कविताएं पंजाबी लोक मानस का परिष्कार चाहती है। अस्तु पंजाबी भाषा साहित्य और भारतीय साहित्य में हरभजन सिंह एक अनूठे कवि हैं और इनकी कविताएं सतत प्रवाहमान धारा के साथ चलती है। प्रेम, सौंदर्य और आह्लाद के जीवन के सांगोपांग को उपस्थित करने की कला हरभजन सिंह के पास है। ये कविताएं भारतीय कविताओं के भीतर के प्राण तत्व को ग्रहण कर संस्कृति के हर कोणों से संवाद करती है, जहां जातीय स्मृतियों के सहारे बहुलाख तत्वों की बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा के सहारे अपने काव्य लोक में काव्य रसिकों को ले जाती है। इन कविताओं को बार बार पढ़ने और समझने की जरूरत है। शुक्रिया।